आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जन सेवा केंद्र आप कैसे खोल सकते हैं। जन सेवा केंद्र एक सर्विस होता है जिसमें आप बहुत सारे सर्विसेज आप पब्लिक को ऑफर कर सकते हैं, जैसे आधार कार्ड बनाना, पैन कार्ड बनाना, फोटो स्टेट करना, लेमिनेशन करना, पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाना, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, मोबाइल रिचार्ज, इसमें बहुत सारे ऑफर होते हैं जो आप पब्लिक को ऑफर कर सकते हैं। जन सेवा केंद्र लेने के लिए आपका उम्र एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए, आपका जो एजुकेशन है कम से कम 10th पास होनी चाहिए, आपके पास एक शॉप होना चाहिए, शॉप में एक कंप्यूटर, इसके बाद स्कैनर, इसके बाद आपको एक पावर ब्रेकअप मतलब एक इन्वर्टर होना चाहिए। जन सेवा केंद्र लेने के दो तरीके हैं, या तो आप CSC के थ्रू ले सकते हैं, अगर आप CSC के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आपका जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तब आप CMS CSC के थ्रू ले सकते हैं, लेकिन ये फ्री नहीं है, इसमें आपको कुछ चार्जेस देना होता है, जो चार्जेस मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको कितना चार्जेस लगेगा। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे शेयर करता हूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप जन सेवा केंद्र के लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे, यानी CMS CSC के लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो जन सेवा केंद्र कैसे लिया जाता है, इसके लिए कैसे अप्लाई किया जाता है, ये देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझेंगे किस तरीके से जन सेवा केंद्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे, ब्राउज़र में टाइप करेंगे cmscsconline.co.in तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। तो CMS के सर्विस महाराष्ट्र, आंध्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और ई मित्रा के जैसे, तो इस तरीके से आपको इतने सेट में आपको अवेलेबल है। तो जिस पे भी आप रहते हैं सिंपली एक बार उस पे आप क्लिक कर लेंगे, जैसे मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश पे क्लिक कर देता हूँ तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होके आ जाएगा। तो इस तरीके से आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद देख रहे हैं कि यहाँ पे लिख रखा है न्यू VLE रजिस्ट्रेशन, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने यह फॉर्म आ जाएगा, यह फॉर्म आपको फिलअप करना है, जो आप इस फॉर्म को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप चूज कर लेंगे न्यू CSC, इसके बाद इसको यहाँ पर CSC लोकेशन चूज करेंगे, आप गांव में लेना चाहते हैं या शहर में, गांव के लिए रूरल हो गया, शहर के लिए अर्बन हो गया। चलिए मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ शहर के लिए अर्बन। इसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको चूज कर लेना डिस्ट्रिक्ट की कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आप लेना चाहते हैं, तो वो आप ही को यहाँ से चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक सब डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना, जो भी सब डिस्ट्रिक्ट हो या आपको यहाँ से चूज कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे आप यहाँ पे शहर चूज किए, अर्बन चूज किए, तो यहाँ पर ब्लॉक, ग्राम पंचायत और विलेज चूज करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप अपना टाउन सिटी जो भी है वो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। इसके बाद सिंपली इसमें से अपना वार्ड नंबर जो भी है तो वो वार्ड नंबर यहाँ से चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं मोहल्ला वोहल्ला आपको ऑलरेडी यहाँ पर फिलअप हो ही गया, जो आप यहाँ पे वार्ड में डाले हैं। तो इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि मोबाइल नंबर वगैरह, विलेज कोड, और यहाँ पर वार्ड नंबर वगैरह फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आ चुका है। अब यहाँ पर सिंपली आपको लोकेशन डालना है और यहाँ पर आपको पिन, जो भी पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। अब नीचे आएगा, नीचे आने पर अपना यहाँ पर आपका फुल नेम डालना पड़ेगा, जो भी आपके डॉक्यूमेंट में है यहाँ पर अपना फादर नाम डाल देना है, यहाँ मदर नेम डाल देना है आपको, यहाँ से आपको जेंडर चूज करना है कि मेल है फीमेल है। इसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको मैरिट स्टेटस चूज कर लेना है, सिंगल है, मैरिड है, जो भी है, तो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है, कैलेंडर बजाइएगा, कैलेंडर बजाने के बाद यहाँ से जो भी है डेट ऑफ बर्थ, इसमें से आपको डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है। अब यहाँ पर आपका एक मोबाइल नंबर डाल देना, जो भी वर्किंग मोबाइल नंबर हो वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर अगर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर तो वो भी डाल लेना है, लैंडलाइन नंबर है तो डाल देना, नहीं तो इसको आप छोड़ देना है। यहाँ पर अपना एक ईमेल आईडी डाल देना है, यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर डाल देना है, पैन नंबर यहाँ डालना है, पैन नंबर जो वोटर आईडी नंबर है उसको आपको यहाँ डालना है, आधार नंबर है तो आपको यहाँ पर डाल देना है।
तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो भी वर्किंग की बातचीत होगा वो आपको मेल आई डी पर होगा, तो आपको मेल आई डी डाल देना है। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि वोटर आई डी ज़रूरी नहीं है आपका, बस आधार नंबर, वो आप यहाँ पर आधार नंबर डाल सकते हैं, ये ज़रूरी है। इसके बाद आपको यहाँ पे चूज करना होगा कि आप एड्रेस प्रूफ में क्या देना चाहते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, तो जो भी है तो यहाँ पे हम चूज कर लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, जो भी बैंक अकाउंट का नंबर है वो डालना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे चूज कर लेना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन जो भी है यहाँ पे हमको चूज कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन चूज कर लेता हूँ, तो अभी इस तरह से चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ बोला है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपको जो भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो जैसे इसका जैसे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो उसका सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, डिग्री है, तो इस तरीके से आपको यहाँ से चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ से पूछ रहा है कि क्या आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है, अगर किस टाइप का नॉलेज है कंप्यूटर का, यहाँ बेसिक है, इंटरमीडिएट है या एक्सपर्ट है, नॉन है, जो भी है इस तरीके से आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। अगर आपको कंप्यूटर बिल्कुल ही चलाना नहीं आता तो नॉन चूज कर लेंगे, लेकिन आपको CMS जो पोर्टल है वो मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाती है। तो एक लिस्ट आप यहाँ बेसिक चूज कर रही है, चलिए हम यहाँ पे एक्सपर्ट चूज कर लेते हैं। अभी आप CMS पोर्टल ले रहे हैं, इससे पहले आप क्या काम करते थे, तो वो आपको यहाँ से चूज कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे आप कोई प्राइवेट सर्विस में है, कोई गवर्नमेंट सर्विस में है, स्टूडेंट है, किसान है, तो यहाँ पर लोकल शॉपकीपर है, तो इस टाइप के जो भी है उसमें सब चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे चूज कर रहता हूँ कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर डालेंगे आपके पास कितने कंप्यूटर और लैपटॉप डेस्कटॉप है, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 2, इसमें आप कुछ भी डालिए, इस पर आप कोई चेक करने नहीं आता। इसको यहाँ पर आपको डिजिटल कैमरा है, स्कैनर कितने हैं, तो वो यहाँ पर आप सिंपली डाल सकते हैं। यहाँ पे USB या पावर ब्रेकअप मतलब कि इन्वर्टर कितनी है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर 2 डाल देते हैं। नीचे आइए, अब यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, तो आपको यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो अपलोड करना होगा। अपलोड करने से पहले आपको एक बात को ध्यान रखना है, तो जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे उसका जो फॉर्मेट है JPG PNG में होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट का साइज देख रहे हैं 50 KB से 200 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, तो 50 KB से 200 KB के बीच में ही जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और उसका डॉक्यूमेंट का जो फॉर्मेट है JPG और PNG में होना चाहिए। तो जहाँ भी फ़ोटो हम चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम फोटो चूज कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे फोटो आ गया है, तो इसके लिए यहाँ पैन कार्ड पर क्लिक करेंगे, तो चूज फाइल पर क्लिक करके जो जहाँ भी पैन कार्ड है वो पैन कार्ड को सिंपली यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। पैन कार्ड आ गया है, वोटर आई डी जहाँ भी है उस तरीके से वोटर आई डी पर क्लिक करेंगे, जो भी वोटर आई डी जहाँ भी है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए वोटर आई डी आ गया है, आधार कार्ड जहाँ भी है इस तरीके से चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, और जहाँ भी आपका वोटर आई डी है वो वहाँ से चूज कर लेंगे। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि आपका वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड और यहाँ पर फोटो अपलोड हो चुका है। यहाँ बोल रहा है ग्रेजुएशन मार्क का आपका जो भी है वो आपको अपलोड कर देना है। अब यहाँ बोल रहा है कि जो भी आप यहाँ पे जो एजुकेशन चूज करेंगे उससे रिलेटेड आपको मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी होगी, जो भी मार्कशीट है वहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद यहाँ बोल रहा है कि अदर एड्रेस प्रूफ में आप क्या देना चाहते हैं, तो यहाँ पर सिंपली ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, तो इसलिए चलिए मैं यहाँ बैंक पासबुक को क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ जो ही बैंक पासबुक है चूज फाइल में जाकर यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से अपने बैंक के पासबुक का फोटो को अपने मोबाइल वगैरह से या स्कैन करा के यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ पर चूज फाइल पर जाकर यहाँ पर इसको अपलोड कर देंगे। सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने के बाद यहाँ टर्म को एक्सेप्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ पर सिंपली सबमिट जाकर ओके कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज आ जाएगा, यहाँ पे आपने जो भी डिटेल फिल की है यहाँ पे सब वो शो होती है। इसके बाद यहाँ सिंपली आप इसको सबमिट भी आप इसे कर सकते हैं। अब देखिए ये ऑलरेडी आपका सबमिट हो चुका है, और आपका देखिए इंक्वायरी नंबर भी आपका यहाँ पे दे चुका है 115071, तो ये आपका इंक्वायरी नंबर ये आपका आ चुका है। और यहाँ कहा गया है कि आप अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को चेक करते रहिए और डिटेल्स के लिए। इसके बाद आपको 1 से 2 हफ्ते का वेट करना है, आपके डिटेल को वेरीफाई करेंगे। 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको एक ईमेल आ जाएगा, इसमें लिखा हुआ होगा कि आपके डिटेल को वेरीफाई कर लिया गया है, अब आपको पेमेंट करना है। तो उसमें एक लिंक दिया गया होगा जिस पे आप क्लिक करेंगे, तो उसमें आप 9000 रुपये का पेमेंट करेंगे। तो ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, जैसे आप डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या जो भी आपके पास कार्ड है उसे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन। एक बार आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद एक हफ्ते में आपको यूजर आईडी और पासवर्ड दे दिया जाएगा, जिससे आप जन सेवा केंद्र में ऑनलाइन लॉगिन कर सकते हैं। ऑनलाइन लॉगिन करने के लिए आप अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे
तो आप अपने ब्राउज़र में टाइपिंग करेंगे यूपी ई डिस्ट्रिक्ट या जो भी जो स्टेट में क्या लिया है उस स्टेट का नाम का डाल के ई डिस्ट्रिक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही आपको पहला लिंक मिल जाएगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टाइपिंग कर देना है लॉग इन ई डिस्ट्रिक्ट। लॉग इन ई डिस्ट्रिक्ट ऐसे टाइपिंग करेंगे कुछ इस तरीके से आपको ओपन आ जाएगा, ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि ई डिस्ट्रिक्ट लॉग इन, आपको इस पर ओके कर देना है। जैसे इस पर ओके कीजिए कुछ इस तरीके से ये पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि ई डिस्ट्रिक्ट लॉग इन है, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि सिलेक्ट योर लॉग इन टाइप, इस पर यहाँ पर आप CSC ई डिस्ट्रिक्ट यूजर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप अपना यूजर नेम यहाँ पासवर्ड डालेंगे जो ईमेल के थ्रू भेजा जाएगा आपके पास। इसके बाद यहाँ ये कैप्चा है, इसको कैप्चा HTTP जो भी है उसको यहाँ पर डाल देना। अगर समझ में नहीं है तो यहाँ तो रिफ्रेश कर लेना है कैप्चा को, इस पर यहाँ पर डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद यहाँ आपको सिंपली सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर आप अपने जो पैनल में लॉग इन हो जाएंगे। इसमें आपको क्या क्या सर्विस मिलेगी वो आप यहां से देख सकते हैं। जैसे देख रहे हैं जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, खतौनी की नकल, दैनिक राजस्ववाद तालिका, राजस्ववाद तालिका। तो इस तरीके से इसमें आप सारे डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करके आप यहां से देख सकते हैं इसको। तो यहां पर 26 सर्विस जो आप पब्लिक को ऑफर कर सकते हैं, जो पब्लिक को इस तरीके से ऑफर कर सकते हैं अपनी शॉप से। सो गाइस, आपने जाना कि किस तरीके से जन सेवा केंद्र यानी CMS CSC के लिए आप किस तरीके से घर बैठे आप मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको कहीं भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आप ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।